स्ट्रीट पर आपने ये बिजनेस जो शुरू किया है, क्या इसके लिए आपकी फैमिली से कभी किसी ने ना नहीं बोला कि नहीं नहीं ऐसे को कैसे? पता होता तो ऑफ कोर्स ना बोलते हैं। तो ये बहुत आसान था ये स्टॉल लगाना या फिर बहुत मुश्किल रहा? देखिए कोई भी काम अगर करना है तो मेहनत के बिना तो आप चाहोगे कि सब कुछ सामने मिल जाए वो तो मिलेगा नहीं। लड़कियों को क्या आप मैसेज देंगे? लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना मतलब तुम्हारे अंदर विल पावर होना चाहिए, तुम ज़िद्दी बनो तो देखो कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें, बस एक ज़िद होनी चाहिए मैम, एक पागलपन होना चाहिए अपने सपनों के लिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आके लड़कियाँ तुम चाय का स्टॉल लगा, जो भी तुम्हारा फील्ड है, पढ़ाई लिखाई जो भी है तुम्हारा फील्ड, जिद्दी बनो, इतना जिद्दी बनो ना कि देखो फिर कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। MBA चाय वाला हो सकता है तो ग्रेजुएट चाय वाली क्यों नहीं हो सकती है? नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हम पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर में खड़े हैं और आज जो बात होगी वो चाय वाली के बारे में बात होगी। आपने अब तक बहुत सारे चाय वाले के बारे में सुना होगा लेकिन आज जो है चाय वाले का डिस्कशन हो रहा है अलग अलग शहरों में। और खासकर कि जब इस चाय वाले MBA चाय वाले की जब चर्चा शुरू हुई थी उसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि ऐसी कई सारी जो चाय वाले हैं उन्होंने अपना स्टॉल खोला, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिहार में किसी चाय वाली ने जो है अपना स्टॉल खोला है। और प्रियंका जो है आज किसी चर्चा की मोहताज तो नहीं है, लेकिन आज हम प्रियंका से बात करेंगे कि क्यों कैसे उनके दिमाग में पहली बार तो ये आइडिया आया कि उन्हें चाय वाली का स्टॉल खोलना चाहिए और उसके बाद आगे की उनकी क्या प्लानिंग है उसके बारे में हम प्रियंका से बात करेंगे। प्रियंका, आपने जैसे बताया जिस तरीके से ये चाय वाले की आपने शुरुआत कैसे की? मैंने ये बस 1 वीक पहले ये स्टॉल लगाया लेकिन दिमाग में आइडिया 6 महीने पहले आया। ये जो ग्रेजुएट चाय वाली है, आपका जो ये टैगलाइन चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है आप वायरल हो गई हैं, कल से आप हर एक मीडिया पे जो है वायरल होती जा रही हैं। तो ये ग्रेजुएट चाय वाली, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है? ग्रेजुएटेड हैं आप। और आप कहाँ से आई हैं? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? बनारस से आपने पढ़ा। तो फिर ये चाय का स्टॉल शुरू करना है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद यूजुअली लोग जो है किसी अच्छे जॉब की तरफ जाते हैं, चाय वाला ये स्टॉल क्यों छोटा सा? ग्रेजुएशन के बाद किसी अच्छे जॉब के लिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर जॉब में कहूँ तो 20,000, 25,000, 30,000, गवर्नमेंट में कहूँ तो 50,000, 60,000 पर मंथ, चाय के ठेले पर डे की सेल 2,000 rupees ऑलमोस्ट पर डे हो जाती है, ऑलमोस्ट मतलब 1,500 to 2,000 आप कैलकुलेट कर सकते हो मंथली, तो इसमें क्या बुराई है मैम? नहीं, बुराई तो कुछ नहीं, ऑफकोर्स आप एक एग्जांपल बन गई हैं कि हर लड़कियों के लिए, क्योंकि एक्चुअली जितना जॉब वाले नहीं कमाते उतना स्ट्रीट वाले कमाते हैं, उनका हमारे इकोनॉमी में जो भी हमारे GDP में जितना कंट्रीब्यूशन वो ठेले वालों का होता है ना उतना आई डोंट थिंक सो जॉब वालों का, एसी में बैठने वालों का होता है। जी, तो ये जो स्ट्रीट पर आपने ये बिजनेस जो शुरू किया है, क्या इसके लिए आपकी फैमिली से कभी किसी ने ना नहीं बोला कि नहीं नहीं ऐसे को कैसे? पता होता तो ऑफ कोर्स ना बोलते हैं। अच्छा, उनको पता ही नहीं था तो ना क्या बोलते हैं। तो फिर ये आपने ये जो शुरू किया है और अब फैमिली को पता है अभी भी नहीं पता? अब तो ऑब्वियसली सब जगह, तो 2 दिन पहले ही मैंने बता दिया, मुझे पता था मीडिया के थ्रू पता चलने से अच्छा है खुद से बता दो, तो मैंने 2 दिन पहले जब पेपर में आया था मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में पहली बार पब्लिश हुआ था उसके बाद मैंने बता दिया अपने पेरेंट्स को। उसके पहले मैं जब 30 जनवरी इसी साल 2022 में मैं पटना आई थी ये बोल के घर से कि मुझे बैंक एग्जाम्स की तैयारी करनी है फिर से, क्योंकि माइंड में चाय था और अगर सीधे बोल देते कि जाके चाय का ठेला लगाना है रोड पे तो किसी के पेरेंट्स ऑफकोर्स कभी नहीं आने देते, तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है बैंक एग्जाम की तैयारी बोलकर जाना। और उसके बाद जिस दिन से आई हूँ पटना नेक्स्ट डे से मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहा जानने के बाद? अब मतलब रिस्पॉन्स, लोगों का भी रिस्पॉन्स उन्होंने देखा तो ठीक है, नॉर्मल है। तो ये बहुत आसान था ये स्टॉल लगाना या फिर बहुत मुश्किल रहा? देखिए कोई भी काम अगर करना है तो मेहनत के बिना तो आप चाहोगे कि सब कुछ सामने मिल जाए वो तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो मैंने अपनी लास्ट 2 or 3 months में मैंने जितनी मेहनत की है ना अपनी पूरी लाइफ में उतनी मेहनत नहीं की, और अपने मैंने ऐसे ऐसे काम किए जो मुझे कभी नहीं आता था, बैंक से लोन कैसे अप्लाई होता है वो भी नहीं आता था लेकिन सीखा, जाके बड़े बड़े अधिकारियों से कैसे बात करते हैं परमिशन के लिए वो भी कभी नहीं किया था, वो भी किया। इवन ये अपने कार्ड के लिए कलर प्राइमर क्या होता है पेंट कैसे खरीदते जो भी खरीदते वो भी किया, मतलब मज़ा आ रहा था अपने काम को करने में, बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, बैंक से लोन नहीं मिल पाया क्योंकि मैं यहाँ की लोकल हूँ नहीं, PM मुद्रा योजना के तहत, तो एट लास्ट मैंने जब सब जगह से नो मिला सुनने को कि नहीं मिल सकता लोन, बहुत सारे बैंक गई मैं
बिजनेस प्रपोजल प्लान भी बनाया, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च काफ़ी कर रखी थी मैंने, बहुत सारे स्टॉल्स पे गई थी मैं चाय के, एंड इवन मैंने स्ट्रीट फूड के भी स्टॉल्स पे गई, क्योंकि मुझे स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि कैसे वो लोग कमाते हैं, कितना कमाते हैं, एक दिन की सेल क्या होती, कस्टमर्स कैसे उनको मतलब ट्रीट कैसे करते हैं, ये वो जो भी था। और चाय से रिलेटेड तो एक एक चीज़, एक एक डिटेलिंग मैंने सीखी है बहुत सारे चाय स्टॉल्स पे जाके, इवन कई चाय स्टॉल्स वाले तो मेरे अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं अब। बिल्कुल। तो अब आगे क्या प्लान है, इसके बाद क्या? मुझे इसके लिए मुझे अपने फ्रेंड से 30,000 रुपीज़ लोन लेना पड़ा, मतलब लोन सॉरी बोल रही हूँ, क्रेडिट पे लिया, और फिर उसके बाद मैंने ये सब अरेंज किया। और इसके आगे का प्लान यही है मैम कि मुझे इस बिज़नेस को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि देखिए स्टार्टअप हर रोज़ स्टार्ट होता है इंडिया में, लेकिन उतना जितनी जल्दी जितने जोश से सब स्टार्ट करते हैं ना, उतना मोरल डाउन करके दो दिन चार दिन अगर सेल ना हो ना तो बंद कर देते हैं। नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी पहले से, क्योंकि बिजनेस है तो ग्राफ ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, तो उतना प्रिपेयर्ड थी, चल सेल नहीं भी होगा तो भी लगाएंगे जी, लेकिन क्विट नहीं करेंगे। बिल्कुल क्विट नहीं। तो अभी जो ये लड़कियां हैं हमारी बिहार की, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी भी काम करने में बहुत ज़्यादा संकोच करती है, और स्ट्रीट पर उतरना और खासकर कि वो काम करना जो सरकारी नौकरी से अलग हो स्पेसिफिकली, या तो प्राइवेट नौकरी भी यहाँ पर बहुत लोगों के लिए जो एक जुर्म हो जाता है कि प्राइवेट नौकरी कैसे करिए सरकारी में जाओ, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? अगर देखिए हम सेम चीज़ करेंगे, सेम पैटर्न पे चलते रहेंगे तो रिजल्ट्स भी सेम मिलेंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग चाहिए ना तो आपको कुछ हट के करना होगा जी। तो मुझे भी सेम घिसा पिटा नहीं चाहिए था कुछ भी। लड़कियों को क्या आप मैसेज देंगे? लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना मतलब तुम्हारे अंदर विल पावर होना चाहिए, तुम ज़िद्दी बनो तो देखो कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें, बस एक जिद होनी चाहिए मैम, एक पागलपन होना चाहिए अपने सपनों के लिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आके लड़कियाँ तुम चाय का स्टॉल लगा, जो जो भी तुम्हारा फील्ड है, पढ़ाई लिखाई जो भी है तुम्हारा फील्ड, जिद्दी बनो, इतना जिद्दी बनो ना कि देखो फिर कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जैसे देखा कि प्रियंका की जिद ही है कि वो किस तरीके से एक चाय का स्टॉल लगा रही हैं, और किस तरीके से बिहार जैसे राज्य में किस तरीके से अपना जो है व्यापार कर रही हैं। चाय का स्टॉल लगाना यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और एक लड़की के लिए, और चाय वाली टैग के साथ चलाना ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रियंका का ये जो स्टॉल है वो भरा पूरा रहे, और इसी तरीके से उनकी जो है वो बिक्री होती रहे, तरक्की वो करती रहे, क्योंकि जो सोच लेके वो चल रही हैं वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। उन लड़कियों को भी देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकती हैं, जो भी सपना वो चाहती है वो पूरा कर सकती है, और प्रियंका उसका जीता जाता उदाहरण है कि किस तरीके से आप बिना समाज की सोचे, लोग क्या कहेंगे ये बिना सोचे, आप किस तरीके से आगे बढ़ते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।